सर, ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग की चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस वह अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाए। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, जिसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े व चहेते पूंजीपतियों एवं धन्ना सेतों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन सांप्रदायिक वह पूंजीवादी सोच के चलते हुए या पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास या उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है।
इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ यहाँ मैं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यह काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे भी अब पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये बीजेपी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज़्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दर किनारे कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज़्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी
मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करें। इस प्रकार बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेक और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को वे अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है।